अभी घुटने टेके है ना, ये पुलिस परमिशन दे दिया ना, ये पहली जीत है। ये कल गए थे, बड़े शर्म की बात है, बंगाल की मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री के प्रोग्राम का बहिष्कार किया। चलिए बताता हूँ, जयंती थी आज 7 साल में इनको नेताजी से बात की। जय श्री राम के नारों से इतनी नफरत क्यों? जय श्री राम का नारा तो लगा था, जय श्री राम का नारा कुंडे मवाली लगा रहे हैं। राम पूजनी है, राम का नाम का व्यापार नहीं होना चाहिए। अरे जिंदगी में नहीं बन सकते, रविनाथ टैगोर बिरला पैदा होते हैं, पंडित नेहरू बिरला पैदा होते हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बिरला पैदा होती है, लाल बहादुर शास्त्री जी बिरला पैदा होते हैं। उनकी नाती ने इनको जवाब दिया, अंजना उनका सब आप पंच मनाने या पब्लिक मनाने नहीं आए हैं यहाँ पे, अपने हक की और इस जालिम सरकार से हक मांगने आए हैं। जालिम सरकार, जालिम सरकार, अरे बाप रे बाप, जालिम नहीं तोड़ क्या, जालिम है भैया, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, भाजपा सरकार, मोदी जी, राजनाथ सिंह बता में, निर्मला सीतारमन बता में, अजीत डोभाल बता में, 300 किलो आरडीएक्स गया, कैसे 300 किलो आरडीएक्स गया और कैसे एडवांस में पहले जानकारी ये तब अर्णव गोस्वामी को हो गई। एनआईए की नोटिस किसानों के लिए जा रही है, अर्णव को गिरफ्तारी नहीं हो सकती कि तुमको खास सूचना मिली। देश की सुरक्षा के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। जब हमारे भारत के किसान अपनी आय चाहता ही नहीं है दुगनी, तो ये होते कौन है देने वाले? ये जनमानस के अंदर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का प्रेम दिखाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, किसी भी कोई भी घनौनी हरकत कर सकते हैं, इन्होंने कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने बंगला देकर 900 कर दिया, 3-4 महीने सब्सिडी आई 250 रुपए, अब आदत पड़ गई, इन्हें सब्सिडी 3-3 रुपए देने लगी, पूरे देश का बिल्कुल नुकसान कर दिया, इन्हें एयरपोर्ट बेच दिया, बंदरगाह, रेलवे, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, यानी कि गड्डी है, गड्डी का टायर भी देखिए, धीरे धीरे वो राष्ट्रकार है, अभी घुटने टेके है ना, पुलिस परमिशन दे दिया ना, ये पहली जीत है और इस देश का किसान अन्नदाता जीतेगा। अभी बंगाल, उसके बाद केरला, तमिलनाडु, तमाम जगह चुनाव होने हैं, आसाम में होने हैं, इनका बाजा बजना चालू हो गया। ये कल गए थे, बड़े शर्म की बात है, बंगाल की मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री के प्रोग्राम का बहिष्कार किया। चलिए बताता हूँ, सरकारी प्रोग्राम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, आज 7 साल में इनको नेताजी से बात की। जय श्री राम के नारों से इतनी नफरत क्यों? जय श्री राम का नारा तो लगा था, जय श्री राम का नारा कुंडे मवाली लगा रहे हैं, राम पूजनी है, राम का नाम का व्यापार नहीं होना चाहिए। राम सबके हैं, मैं ये कह रहा हूँ, जो सरकारी प्रोग्राम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सनातन धर्म के थे, 7 साल बाद उनको बंगाल चुनाव आया तो उनको याद आया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, तो समझ रहे हैं कि मैं रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाऊंगा, टैगोर बनेंगे मोदी। अरे जिंदगी में नहीं बन सकते, रविन्द्रनाथ टैगोर बिरला पैदा होते हैं, पंडित नेहरू बिरला पैदा होते हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बिरला पैदा होती है, लाल बहादुर शास्त्री जी बिरला पैदा होते हैं। उनकी नाती ने इनको जवाब दिया, अंजना कश्यप अपना जो अपने चैनल पर कहा कि मैं अंजना हूँ मोदी, पूरी दुनिया सुने सुना था, अब कश्यप उनको पसंद नहीं है तो मोदी जी पसंद है। उन्होंने उनके नाती से प्रश्न किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पंडित नेहरू के खिलाफ थे, उसने कहा नहीं, मेरे ग्रैंडफादर उनके खिलाफ नहीं थे, दो दुनिया की धुरी, दो सेकुलर व्यक्ति और दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीनों को हिंदी धीरे से समझ में आ गई है, अब पूरा देश जो है और पूरे देश का किसान अन्नदाता इतना परेशान हो गया है, यहाँ का बेरोजगार नौजवान, छात्र, सभी परेशान हो गए, तो आज रोड पे खुशी मनाने या पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, यहाँ पे अपने हक की और इस जालिम सरकार
से हक मांगने आए हैं। जालिम है सरकार, जालिम सरकार, जालिम है। अरे बाप रे बाप, जालिम नहीं तो और क्या, जालिम है भैया। ये बताइए, जालिम एकदम गुंडों की सरकार है, गुंडों की सरकार। पुलवामा अटैक इन्होंने करवाया था, मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकर सिंह बाघेला कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, कौन कर रहा है, भाजपा सरकार, मोदी जी, राजनाथ सिंह बता में, निर्मला सीतारमन बता में, अजीत डोभाल बता में, हाँ ये गृह मंत्री थे, दुनिया की बाबू सबसे सुरक्षित, उन्होंने पुलवामा अटैक कराया। मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की सबसे सुरक्षित रोड जो है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे मार्ग है, जिसमें पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें पुलवामा, मैं सेना में रहा हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो रोड जो है आईजी की निगरानी में रहती है, राज की निगरानी में रहती है, मिलिट्री की निगरानी में रहती है, एयरफोर्स की निगरानी में रहती है, सीआरपीएफ और बीएसएफ की निगरानी में रहती है। भाई ये बताइए कि कैसे 300 किलो आरडीएक्स गया, कैसे 300 किलो आरडीएक्स गया, और कैसे एडवांस में पहले जानकारी ये कबकारनो गोस्वामी को हो गई, कैसे हो गई जानकारी, और कितने लोगों को पुलवामा अटैक के बाद सस्पेंड किया था, कार्रवाई किया, जेल भेजा, बतावे सरकार, जांच तक नहीं कराई, जांच तक नहीं हुई। एनआईए की नोटिस किसानों के लिए जा रही है, अरनों को गिरफ्तारी नहीं हो सकती कि तुमको कहां सूचना मिली। देश की सुरक्षा के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया एकदम। वो तो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी अरे सुरक्षित है, आप बोलते हैं खिलवाड़ किया है। ये अंधभक्त है, बकलोल टाइप के, वो जो माला जप रहे हैं, इस देश का जो है ना अन्नदाता ना बेरोजगार नौजवान, ये बताए 15 लाख देने का वादा किया था, किसी को 15 लाख दिया, अरे अमित शाह बोल दिया, जुमला था, जुमला था ना, 2 करोड़ रोजगार भी जुमला, पकौड़े तलने को रोजगार बताता तो है, पकौड़े तलना, पॉलिश करना रोड पे, का डॉक्टर इंजीनियर को जो पढ़ रहे हैं उधर पकौड़े तलेंगे, बताइए, नीतीश की दारू पकड़ गई, बताइए, नहीं हो रहा है कुछ नहीं। अगर युवा संतुष्ट है तो फिर दोबारा मोदी सरकार कैसे बनेगी? 2 करोड़ रोजगार का वादा पहली बार किया, तो दोबारा तो नहीं किया था। नहीं दूसरी बार 2 करोड़ रोजगार, अब पहली बार 15 लाख की लालच, 15 लाख का तो रोजगार था, ये अच्छे दिन लाने के लिए भी बोले थे, पुलवामा अटैक भी हुआ, सरकार कैसे बनी? सरकार जो है कैसे बनी कैसे नहीं बनी, पुलवामा अटैक करवा करके इन्होंने बनवाया देशभक्ति कफन, बेचा कफन, चोर है, कफन चोर है ये सब। आप इस देश में जानते हैं क्या है, ये दूसरी क्रांति, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन नहीं देखा होगा, ये किसान आंदोलन देख ले, ये कुंभ का मेला है, अपने पाप आओ धो लो, यहाँ हम लोग आए हैं, मैं गोरखपुर से आया हूँ, ये भी कहीं से आए हैं, और तमाम लोग अन्य जगहों से, मेरे वहाँ का मुख्यमंत्री जो अनपढ़, गोरखनाथ मंदिर अपराध की नर्सरी वही की रिवाल्वर से, अब मंदिर को अपराध की नर्सरी बोल, मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ, अब मैं प्रमाण देता हूँ, प्रमाण देता हूँ, उन्हीं के रिवाल्वर से महंत विजयनाथ, इनके गुरु के गुरु, उन्हीं के रिवाल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी दिल्ली में, और रिवाल्वर पकड़ी गई थी 1948 में, महंत विजयनाथ गिरफ्तार किए गए थे। योगी आदित्यनाथ की उसमें क्या गलती, क्यों और मंदिर में से अपराधी तो पैदा हुए हैं, गोरखपुर में ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद की नींव डालने वाला यही मंदिर है, आप जान ले आदित्यनाथ की क्या गलती, मैं ये आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एकदम मारा, अरे 20,000 ब्राह्मणों की हत्या करवा दिया, सबसे ज्यादा हिंदू बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई, भाई ये बताइए जितने लोग है सब अपराधी मारे जा रहे हैं, गोरखपुर में जो है कम से कम 6 पुलिस वाले गिरफ्तार में हुए, जो है ओरिजिनल, इसलिए कि डकैती डाल रहे हैं, राहजनी कर रहे हैं, क्या कर रही है मुख्यमंत्री, क्या राजस्थान में इस तरह का नहीं हो रहा, पंजाब में नहीं हो रहा, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, झारखंड में नहीं हो रहा, क्यों यूपीए में हो रहा, बताइए क्यों, हम अपना हक मांगेंगे, भी तो ज्यादा यूपी की ना, अरे जनसंख्या ज्यादा है, इससे पहले नहीं थी, इससे पहले ठीक नहीं थी, वो तो कहते हैं अखिलेश यादव सरकार थी तो यादव बात था, तमाम यादव तो इनके इन, इन, इनके जमाने में कौन सा बात है, संघी बात है, आरएसएस बात है, जितने मंदिर में मठाधीश बने बैठे हैं ये लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, चलिए
ये बताइए, लगातार जिस तरह किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो डेढ़ महीने, दो महीने हो गए, डेढ़ साल को होल्ड करने के लिए बोल दी सरकार, और आप लोग 26 जनवरी को बोल रहे हैं परेड करेंगे, परेड की तैयारी क्या? देखिए, लगभग दो महीने 60 दिन होने जा रहे हैं इस आंदोलन को। मुझे कहीं भी नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के प्रति कहीं गंभीर नजर नहीं आ रही है। गंभीर न होती तो 12 राउंड तक मीटिंग कैसे चलेगी? ये मीटिंग करना एक उनका नौटंकी का पार्ट है, राजनीतिक पार्ट है। और अगर इतनी ही नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों से प्रेम करती है, किसानों से लगाव रखते, क्यों नहीं आपातकालीन सत्र बुलाती है? क्यों नहीं इन तीनों कानूनों को आपातकालीन सत्र बुला के रद्द करती है? क्यों डेढ़ साल होल्ड करने की बात कर रही है? इस डेढ़ साल होल्ड करने के पीछे भी राजनीति है। जिस तरह इन्होंने इस 7 सालों में अन्य आंदोलनों को दबाया है, डेढ़ साल के अंदर हमारे क्रांतिकारी किसान नेताओं को एक एक को पकड़ कर ये प्राणित करेंगे, दुखी करेंगे। ये कोई किसानों के लिए रिलीफ नहीं देने जा रहे। जब हमारे भारत का किसान अपनी आय चाहता ही नहीं है दुगनी, तो ये होते कौन है देने वाले हमारा? लेकिन वो तो बोलते हैं 1% किसान बैठे हैं केवल, और वो अभी विपक्ष के पीछे बड़ी ताकत विपक्ष की है, अभी नरेंद्र सिंह तोमर। अरे भाई मेरे, जब अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कराया। इनका काम है ध्यान भटकाना। भाजपा ने कराया था पार्लियामेंट? बिल्कुल कराया था। आज तक उसमें एक आदमी भी जेल नहीं गया और ना ही पुलवामा में जेल गया। उन्हीं और वो खुद पार्लियामेंट, ये जनमानस के अंदर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का प्रेम दिखाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, किसी भी कोई भी घनौनी हरकत कर सकते हैं। इन्होंने कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने बंगाल में नहीं कराई क्या? अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कराएंगे इन्होंने? अपनी कार्यकर्ताओं की हत्या भाजपा करा दी? बिल्कुल, मीडिया छाप रही है बंगाल की कि इन्होंने फला कार्यकर्ता मरा। बिल्कुल भाजपा करा रही है। और उसमें जब पुलिस की जांच हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टियों का हाथ निकला है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब क्या बंगाल का ही किसान दुखी है? इनको हरियाणा का किसान दुखी नहीं देता, पंजाब का किसान दुखी नहीं देता, यूपी का किसान दुखी नहीं देता, बिहार का किसान दुखी नहीं देता। जिस राज्य में जाते, एक तो वहां का हिंदू खतरे में हो जाता है, वहां पे बेरोजगारी बढ़ जाती है, वहां पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ जाते हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव हो जाता है वहाँ वहाँ जो है ये चीज जुमलेबाजी हो जाती है। ये डेढ़ साल इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं क्योंकि आसाम चुनाव है, केरल चुनाव है, यूपी चुनाव है, हिमाचल चुनाव है, उत्तराखंड चुनाव है। सुन लीजिए मेरी बात, ये इसलिए होल्ड करना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर डेढ़ साल होल्ड करेंगे फिर आगे लोकसभा चुनाव है तो फिर कानून तो नहीं लाएंगे? मुझे ऐसा है, आप अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, इस राजनीति से हजारों मील दूर हैं। आप सुनी सुनाए ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले अध्ययन करिए 7 साल की घटनाओं का। 7 साल की घटना है तो क्या 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 हाथरस में एक गरीब की बेटी को पुलिस के द्वारा जलाना क्या उचित था? वो उमा भारती ने उसके लिए योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाई थी। उमा भारती वरिष्ठ नेता है भाजपा। क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार के अंदर दो मत हैं? एक गुट ये कहता है कि आपातकालीन सत्र बुलाइए, जो थोड़ी बहुत किसानों के बीच में सोच रखते हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि आपातकालीन सत्र बुलाइए। ये 3 लोग सत्र नहीं बुलाने देने जा रहे, नरेंद्र तोमर, अमित शाह, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इनके परिवार के लोग अडानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ और अन्य कंपनियां हैं, इन्होंने अपने परिवार के लोगों को उसमें पार्टनरशिप दिलाई है। चलिए बताइए, मोदी बताऊं क्यों नहीं कानून वापस लेने चला? इन्हें ले रखा अडानिया वडानी का कर्जा, तो मोदी से कहने लगा भाई पैसे पूरे कर, वो कहने लगा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसे ऐसे पूरे होंगे, बिल लगा दिए हमने 5 जून 2020 को, तो लाई ऑर्डिनेंस। इनके नीति में खोट है, क्योंकि इन्हें क्या सोचा और किसान प्रोटेस्ट नहीं करने का। देखो कोई तो पाप पूरा सरदार हमारे भाई है, बहुत बधाई देना चाहूंगा सबसे पहले उन्हें अगुवाई करी इस आंदोलन की। हरियाणा पंजाब पूरे देश का विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है, सरकार को शर्म नहीं आती। और वो अर्णव गोस्वामी, उसको तो होनी चाहिए फांसी, उन्हें तो
इतना बड़ा फांसी होनी चाहिए। हाँ जी फांसी होनी चाहिए अर्णब गोस्वामी को, देश के लिए सुरक्षा से खिलवाड़ करी, क्योंकि सरकार उसको बचा रही। चैट उसका लीक हुआ, उसने पहले ही पता था 5-3 दिन पहले पुलवामा अटैक होएगा, क्योंकि 15 किलोमीटर पहले पर है क्योंकि राष्ट्र के नाम पे ना वो किसानों के मुद्दे भटका दिए सब कुछ। आज देख लो इन्हें क्या काम करा सिलेंडर, पहला सिलेंडर 430-450 रुपए तक मिल जाता, तो इन्हें क्या काम करा लालच देकर 900 कर दिया। 3-4 महीने सब्सिडी आई 250 रुपए, अब आदत पड़ गई, इन्हें सब्सिडी 3-3 रुपए देने लगी। पूरे देश का बिल्कुल नुकसान कर दिया इन्हें, एयरपोर्ट बेच दिया, बंदरगाह, रेलवे, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। यानी कि गड्डी है, गड्डी का टायर भी बिक गया, ट्यूब भी, रिम भी, सब कुछ बिक गया। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? जितना सरकार करेगी 1.5 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, फिर उसके बाद लगातार 1.5 साल तक बातचीत चलेगी, जो निकल कर आएगा कमेटी बनेगी, फिर उसके बाद देखा। मैं तब इनके अलावा तो मुद्दे खत्म हो गए, 1.5-2 साल की बताऊं क्या दे रही हो। चुनाव है उत्तर प्रदेश में और बंगाल में वगैरह, क्या करना चाह रही सरकार 2024 में? इसके नाम पे तो वोट मांगेगी किसानों के नाम पे, क्योंकि नु सोचेगी अकबर देख तुम्हारा कानून खत्म कर रहे और दिखे अरीब का फिर वोट दे दो, क्योंकि मुद्दे तो सारे खत्म ही हो गए, किसके नाम पे वोट मांगेगी? अब जनता समझ चुकी है आपका वोट लेने की, मेरा बीजेपी के नेताओं से एक गुरु है कि बीच मैन जो अगर वोट लेनी आप आ जाओ किसानों के नाते, अगर अगली बार एमपी बनना। और माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे एक निवेदन है, आप मुख्य अतिथि किसान नेताओं को बना दो, एक झांकी निकलवा दो किसानों की, भाई कह राजपथ पर जाने में देते हैं, वो भी हमारे देश का है। हम यू कह जैसे गुजरात की गरबा निकला है, हरियाणा का सांग, उत्तर प्रदेश की नौटंकी निकला है, एक झांकी किसान की पूरा वर्ल्ड देखेगा, नाम तो हमारे प्रधानमंत्री का ही होगा। हम तो भी नहीं रिश्ते वो करे भाई, देश के लिए कुछ करा देखो सब। हर इंसान हर के लिए अच्छा नहीं होता, हर के लिए बुरा नहीं होता। अब भी मैन जो अभी इनके अलावा टेम है, आप ये बताओ जी ये वो नहीं चाहते काले कानून, जहर तो 2 किलो भी इतना, पहिया भी इतना, जहर क्यों दिया जा रहा किसान से? इन्हें किसी कृषि वैज्ञानिक से सलानी नहीं, किसी से सलानी ना किसान नेताओं से। इस बिल में खामियार 26 जनवरी के लिए हमारी तैयारी है, ट्रैक्टर पे हम वो जाएंगे, ट्रैक्टर पे जाएंगे हम झंडा लगा कर।